Welcome to my class, student. It's English Honeydew. We are doing the Great Stone Phase 2 and this is session 4 and this is the question answer session of the chapter. Now, working with language. यहाँ पर आपका ग्रामर आ गया है. Mark the meaning that best fits the word or a phrase in the story. तो यहाँ पर going down और यहाँ sun है. तो क्या होगा? Sunset. Mark the meaning. तो यहाँ पर क्या होगा? Sunset. तो sun is going down. That is sun is setting. यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, बिकमिंग स्मॉलर, वीकनिंग, सेटिंग. तो सन जब गोज डाउन होता है तो हम बोलते हैं सन सेट्स. तो सन जो है वो डूब रहे. नाउ ब्राइटनिंग, राइट? तो मेकिंग लुक ब्राइट एंड चीयरफुल. तो यहाँ पर क्या होगा? मेकिंग लुक ब्राइट, मेकिंग इट लुक ब्राइट एंड चीयरफुल. दूसरा लेंडिंग. तीसरा causing to appear hopeful. तो यहाँ पर क्या होगा? Lending a special glow. Bright, उसका जो चेहरा वो ब्राइट हो जाता था. तो lending it a special glow. Now third is spacious. Lonely and wild, big and wide, special and important. तो ये होगा big and wide. Prophecy, proverb, prediction, rumor. तो ये होगा prediction. Marvelous, wonderful, surprising, shocking. तो it is wonderful. Proclaim, the reveal, declare, shout. तो this is declare, right? Seize will be stop. A night shelter, that is stay, safety, hospitality, stay. कि एक रात के लिए क्या मैं रह सकता हूँ? Now gaze, wondered about, stared at, thought of. तो stared at. Now took on क्या? Challenged an expression. Resembled, assumed. तो यहाँ पर होगा took on means he assumed. तो इस तरह से आप देख रहे हो जो phrases है उसके ये meanings है, words and phrases के. Now paste 138. Which form of the verb is more natural in this sentences? Encircle your choice. तो आपको क्या करना है कि जो natural लग रहा है, कौन सा form of verb natural लग रहा है वो आपको देखना है. मैं ये grammar का portion कर रही हूँ, but आप मेरे grammar section में जाइए. वहाँ verb के ऊपर पूरा का पूरा chapters है, कई sessions है. आप उनको भी please revise कीजिए. I am not free this evening. I will work. I am working on a project. तो यहाँ पर देखो, I am not free this evening. इस शाम मैं व्यस्त हूँ, मैं free नहीं हूँ. क्यों? I will work. I am working on a project. तो जब आप future के बारे में करते हो, तो आप am working लिख सकते हो. I am working on a project. तो हम लोग क्या करेंगे? I am working on a project लिखेंगे कि मैं project लिख रहा हूँ. So this is the answer. Have you decided where you will go for a higher secondary? क्या तुम decide किया higher secondary के लिए कहाँ जाओगे? Yes, I have. I will go. I am going to the केंद्रीय विद्यालय. तो I will go to the केंद्रीय विद्यालय. जब हम am लगाते हैं तो क्या होता है? Verb plus ing आता है. तो यहाँ पर है simple future tense. I will go to the केंद्रीय विद्यालय. Don't worry about the dog. It won't hurt. Isn't hurting you. तो डोंट वरी अबाउट द डॉग, इट वोंट हर्ट यू. तो इट वोंट हर्ट यू क्योंकि यहां पर क्या है? इजंट हर्टिंग यू मतलब क्या है कि वो ये आपको हर्ट नहीं कर रहा है. लेकिन आपको एक सिंपल स्टेटमेंट देना है सिंपल प्रेजेंट में कि ये हर्ट नहीं करता है. दैट मीन्स इट वोंट हर्ट यू. The weatherman has predicted that it will snow or it is snowing in Ranikhet tonight. तो tonight है तो वो क्या करना predict कर रहा है. तो हम future predict करते हैं तो होगा it will snow tonight, right? It will snow in Ranikhet tonight. Swapna can't go out this evening. Swapna जो है वो शाम को नहीं जा सकती. Her father will come, is coming to see her. उसके पापा आ रहे या आएंगे या आने वाले हैं. तो हर फादर इज कमिंग टू सी हर, राइट? अब देखो पेज 139. कंप्लीट दीज पीसेज ऑफ कन्वर्सेशन.
यूजिंग विल और गोइंग टू विद द वर्ब्स गिवन. तो आपको विल या गोइंग टू लगाना है. आप प्लीज मेरे फ्यूचर टेंस के सेशन में, ग्रामर सेशन में जाओ. यू विल गेट इन डिटेल वेयर टू अप्लाई विल, वेयर टू अप्लाई गोइंग टू. यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज है, बट देयर इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. रानी, व्हाई आर यू टर्निंग ऑन द रेडियो? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लिखना होगा या तो विल होगा या गोइंग टू. तो आई एम गोइंग टू द न्यूज, आई विल लिसन टू द न्यूज. तो आई विल लिसन टू द न्यूज. रानी, ओ आई कांट बाय दिस बुक, आई हैव नो मनी. रानी, ओ आई कांट बाय दिस बुक, आई हैव नो मनी. सो हेयर, रवि, डोंट वरी, आई विल लेंड यू सम, मैं तुम्हें कुछ दूंगा. लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स. रवि, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन. रवि, व्हाट शैल वी हैव फॉर डिनर? तो रवि, आई कांट डिसाइड. मैं इसको ओरली बोल रही हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस करो, एंड देन इन द आंसर शीट यू विल गेट ऑल द आंसर्स. नाउ रानी, मेक अप योर माइंड. रवि, ऑल राइट देन, वी शैल हैव फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स, और वी आर गोइंग टू हैव फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स. रानी, वाई आर यू फिलिंग द केटल विथ वॉटर? रवि, आई शैल मेक कॉफी, या आई एम गोइंग टू मेक कॉफी, दैट यू कैन राइट. रानी, वी नीड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट. ऑल राइट, आई शैल गो टू द बेकरी एंड गेट सम. तो आई विल गो टू द बेकरी एंड गेट सम, ये कर सकते हैं. नाउ बिफोर ही गोज आउट, रवि टॉक्स टू देयर फादर. तो ये पूरा एक पैराग्राफ है, आप जब देखोगे चैप्टर में, पूरा अंत में एक पैराग्राफ है. रवि, आई शैल गेट सम ब्रेड एंड बटर. डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम द बेकरी? फादर, येस आई वॉन्ट सम सॉल्ट बिस्किट्स. रवि, फाइन, आई एम गेटिंग यू, आई शैल गेट यू अ पैकेट. तो आई विल गेट यू अ पैकेट, आप वो दोनों आप लिख सकते हैं. नाउ ये देखो, रवि, आई एम गोइंग टू लिसन टू द न्यूज. रवि, आई विल लेंड यू सम. रवि, आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन. वी विल हैव फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स. आई एम गोइंग टू मेक कॉफी. आई विल गो टू द बेकरी. आई एम गोइंग टू गेट सम ब्रेड एंड बटर. फाइन, आई विल गेट यू अ पैकेट. Now underline the letter or letters representing F in each of the following words. तो यहाँ पर आपको F जो है वो आपको बताना है. अभी जैसे फाइल है या F, ये F जो है ये साउंड आना चाहिए. तो ये F या फाइल, F, स्लफ, F या H के नीचे, फेंट, F, लिफ्ट, F, कफ, यहाँ देखो H के बाद डिफेंस, F, अफोर्ड, यहाँ आ गया एनफ, यहाँ आ गया फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, स्टाफ, टफ, अलूफ, अफ्रंट, फिलोसफी, देखो फी, सोफिस्ट्री, फी. तो फर्स्ट साउंड जहां आया वहां आपको अंडरलाइन करना है. तो ये जो जहां जहां मैंने अंडरलाइन किए वो अंडरलाइन आपको करने हैं. या देख लो, मैंने समझाने के लिए फिर से अंडरलाइन किया. दिस यू कैन डू. तो जहां जहां अंडरलाइन है वहां वहां आपको अंडरलाइन करना है. नाउ कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस. अब आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. पुट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस. आपको हर एक को एक ऑर्डर में मेंटेन करना. जब आप मेरे सेंटेंस सेशन में जाओगे ग्रामर के, तो यू विल गेट हाउ टू मेक सेंटेंसेस. अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली इज विजुअली इम्पेयर्ड, जॉर्ज अब्राहम. तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, जॉर्ज अब्राहम. मैं इसको नंबर 1-2 करके लिख देती हूँ. जॉर्ज अब्राहम नंबर 1, अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली इज विजुअली इम्पेयर्ड. तो आप देखो पहले सब्जेक्ट आया जॉर्ज अब्राहम, फिर उसके बारे में हमने एक जानकारी दी, अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली, फिर वर्ब इज विजुअली इम्पेयर्ड. तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है. जॉर्ज अब्राहम रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली इज विजुअली इम्पेयर्ड. तो यहाँ आपको कॉमा से ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको अलग करना है. नाउ कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड इन्फ्यूज डिसिप्लिन अमंग द पार्टिसिपेंट्स इट प्रोवाइड्स. तो क्या होगा,
इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, क्योंकि वो खुद विजुअली इम्पेयर्ड थे तो वो देख नहीं पाते थे, तो वो क्या है कि नोएडा के पास रहते थे तो उनका जो लाइफ था वो क्या करता था, कॉन्फिडेंस देता था और लोगों को कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देता था एंड इन्फ्यूज डिसिप्लिन अमंग द पार्टिसिपेंट्स, और पार्टिसिपेंट्स में वो एक डिसिप्लिन आता था। ये सेकेंड सेंटेंस है, ही हैज हेल्प द ब्रेन बिहाइंड द वर्ल्ड कप क्रिकेट द डिजेबल टू ड्रीम। तो द ब्रेन बिहाइंड द वर्ल्ड कप क्रिकेट ही हैज हेल्प द डिजेबल टू ड्रीम। तो वो जो विजुअली इम्पेयर लोगों का जो क्रिकेट होता है उसके पीछे ब्रेन किसका था, मिस्टर अब्राहम का। तो उन्होंने क्या किया, जो डिजेबल थे उनको भी सपने देखने का एक चांस दिया। टू द ब्लाइंड स्कूल इन दिल्ली इट वॉज ए चांस विजिट दैट चेंज्ड हिज लाइफ। इट वॉज ए चांस विजिट टू द ब्लाइंड स्कूल इन दिल्ली दैट चेंज्ड हिज लाइफ। तो वो बाय चांस उन्होंने एक ब्लाइंड स्कूल में एक विजिट किया था और वहीं से उनके ये आइडिया आया क्रिकेट का। स्पोर्ट्स इज अ पावरफुल टूल द डिसेबल्ड ही बिलीव दैट फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ। तो यहाँ पर है आपको लिखना है ही बिलीव दैट, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग आप इससे करोगे सब्जेक्ट से या प्रोनाउन में, ही बिलीव दैट स्पोर्ट इज अ पावरफुल टूल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड। नाउ रीअरेंज द सेंटेंस अबव टू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ। अब उस सबको आपको एक पैराग्राफ में बदलना है। कैसे, जॉर्ज अब्राहम रेसिडेंट ऑफ नोएडा नियर दिल्ली इज विजुअली एम्पायर। वो देख नहीं सकते थे, वो नोएडा में रहते थे जो दिल्ली के पास है। द ब्रेन बिहाइंड द वर्ल्ड कप क्रिकेट ही हैज हेल्प द डिजेबल टू ड्रीम। तो वही वो ब्रेन है जो वर्ल्ड कप क्रिकेट होता है, उन्होंने इससे क्या क्या जो डिजेबल थे उनको एक सपना दिया। इट वॉज ए चांस विजिट टू द ब्लाइंड स्कूल इन दिल्ली दैट चेंज हिज लाइफ। ही बिलीव दैट स्पोर्ट्स इज अ पावरफुल टूल फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिजेबल। कि अगर डिजेबल को अगर आपको हिम्मत देनी है, कॉन्फिडेंस देना है, रिहेबिलिट करना है, तो सिर्फ स्पोर्ट्स ही वो पावरफुल टूल है। इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, तो उनको कॉन्फिडेंस मिले, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स मिली एंड इन्फ्यूजेस डिसिप्लिन अमंग द पार्टिसिपेंट। और जितने भी पार्टिसिपेंट थे वर्ल्ड कप जो क्रिकेट होता था उनमें एक क्या हुआ, एक डिसिप्लिन भी आया। तो इस तरह से आपने इसको क्या क्या एक पूरे पैराग्राफ में लिखा। तो व्हाट हैव यू लर्न टुडे, वी हैव लर्न हाउ टू वर्क विथ लैंग्वेज एंड नाउ द चैप्टर कम्स टू एन एंड एंड दिस इज द 10th चैप्टर ऑफ योर बुक। So here all the chapters are finished. Now main stories you have learned, all the moral values you have learned. Now please you use all those moral values in your life also. And if there will be any difficulty, then you can talk to me and you can clear your doubts. Thank you.